नमस्कार, मैं अवंतिका रॉय, दृष्टि नाव में आपका स्वागत है। दिसंबर के महीने में क्रिसमस की धूम क्रिश्चियन धर्म मानने वाले लोगों के बीच खूब रहती है। ऐसे में कोरोना काल में इस बार ना ही गैदरिंग की गई और ना ही लोग उस तरह सामाजिक तौर पर मिल सके जिस तरह हर साल मिलते हैं। ऐसे में उन सिंगरों पर काफ़ी असर पड़ा जिनकी ज़िंदगी में, जो हर साल रांची के जगहों जगहों पर जा करके प्रोग्राम करते थे और लोगों का मनोरंजन करते थे। ऐसे में हमारे साथ एक सिंगर मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय हुआ। सर, कोरोना काल में इस बार आपके प्रोग्राम पर क्या असर पड़ा है? सबसे पहले तो मेरा इंस्टीट्यूट चलता है और यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे बच्चे आते थे, लेकिन ये कोरोना काल में क्या हुआ कि अब एक भी बच्चे नहीं है। सरकार को हमारी तरफ भी देखनी चाहिए और गैदरिंग जो हम लोग करते थे, एंटरटेन करते थे पब्लिक को क्रिसमस के बारे में करते थे, और ये माहौल जो बनता था इस बार है नहीं, एकदम है नहीं। तो मुझे सरकार से अपील करनी कि कम से कम हमें भी देखा जाए, जो एक आर्टिस्ट है, जो म्यूजिशियंस बैठे हुआ है, जिसकी रोजी रोटी म्यूज़िक सिखाने से चलती है, उन्हें भी थोड़ा देखा जाए। और इस बार आपकी हर साल की तरह बुकिंग हुई है या नहीं? नहीं, इस बार एकदम ज़ीरो है, एकदम नहीं है, यहाँ तक कि बच्चे भी नहीं आ रहे सीखने के लिए। अब सरकार को क्या बोलना चाहते हैं, किस तरह की मदद मांगना चाहते हैं? मैं सरकार से बोलना चाहता हूँ जितना जल्दी हो सके लॉकडाउन वाली स्थिति ख़त्म हो जाए, नॉर्मल हो जाए, जिससे कि पहले की तरह हमारी जो लाइफ स्टाइल थी वो मेंटेन हो जाए, बरकरार रहे। अगर नहीं होते तो हमें भी रोड पर आना पड़ जाएगा। मतलब कितने स्टूडेंट थे टोटल आपके और कितने घट गए हैं? पहले तो 30-40 ऐसे स्टूडेंट हुआ, अब तो 1-2-3 ऐसे। अच्छा, हमारे बीच ऐसे में और भी लोग मौजूद हैं सिंगर्स, आइए उनसे बात करते हैं। आइए, क्या कोरोना काल में क्या स्थिति हुई आप लोग की, सिंगिंग पर क्या असर पड़ा है? एक्चुअली सिंगिंग पे तो असर बहुत सारा पड़ा है। जैसे लॉकडाउन पे बहुत सारी चीज़ें बंद रहती थी ना, तो मतलब हमारा भी यहाँ पे आना, क्लास भी बंद रहता था, तो उतना प्रैक्टिस नहीं हो पाता था। तो मेरा सोचना है कि जैसे लॉकडाउन की वजह से बहुत सारा, मतलब स्टूडेंट भी बहुत सारे नहीं रहे, मतलब चले गए, और पहले की तरह प्रोग्राम नहीं हो पा रहा है, और इसके कारण हमारी स्थिति बहुत ख़राब है अभी ख़राब चल रही है। आइए और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं, आप बताइए। कोरोना काल में बहुत प्रॉब्लम हुए सिंगिंग में। हम लोग प्रोग्राम करते हैं या गैदरिंग में प्रोग्राम थे रोजपा टावर के नीचे, हर साल प्रोग्राम करते हैं, है ना, इस बार नहीं हो पाया, है ना, बहुत इस बार कोई बुकिंग नहीं हुआ। हर साल हम लोग प्रोग्राम करते हैं, तो हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि हमारे लॉकडाउन पहले जैसा नॉर्मल में आ जाए, पहले जैसे हम लोग मनोरंजन करते थे। सरकार से क्या मदद चाहते हैं? मदद यही चाहते हैं कि लॉकडाउन हमारा नॉर्मल हो जाए, है ना, पहले जैसा जिए, पहले जैसे प्रोग्राम जैसे होता था हर बार, इस बार भी हो। जैसा कि आपने यहाँ के सिंगर और म्यूजिशियन के बातों को सुना, उनके दर्द को सुना, ऐसे में सरकार को चाहिए कि इन पे ध्यान देना चाहिए सरकार को, और जल्द से जल्द सब कुछ नॉर्मल करके इनकी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए, ताकि इनकी रोजी रोटी फिर से पहली जैसी हो जाए और फिर से ये ज़िंदगी पहले जैसे जी पाएँ। रांची से रिकी राज के साथ अवंतिका रॉय, दृष्टि नाव।